नमस्कार, मॉम्स मैजिक में आप सबका स्वागत है। जैसे आप लोगों को पता है, हम लोग रथ यात्रा स्पेशल बना रहे हैं। ऐसे तो हमारे प्रसाद में भगवान जी को जो महाप्रसाद है, हमारे भगवान जी को 56 भोग लगता है। 56 भोग से हम एक भोग लगाएंगे जो हमारे बेसर होता है, उड़ीसा का फेमस है बेसर। भगवान जी को प्रसाद लगता है, 56 भोग में से एक है, उसको आज हम आपके पास रखेंगे। आप देखेंगे हमारा बेसर कैसे बनता है, उड़ीसा का स्पेशल भगवान का 56 भोग में से एक। चलिए आज हम बनाते हैं बेसर। बेसर का पहला स्टेप हमारा सब्जियां। सब्जियां देख लेते हैं हमारा क्या क्या सब्जियों की जरूरत पड़ेगी। हमारा इधर कच्चा केला रखे हैं, बैंगन रखे हैं, गाजर है, हमारा इधर परवल है, अरवी है और यम है जिसको हम सूरन बोलते हैं, और इधर हमारा पम्पकिन है, कद्दू, और ये हमारा भीगा हुआ चना, और कुछ हम लोग इधर नारियल घसे हुए लिए हैं। बस इतना को हम पहले धो के काट लेते हैं, बाद स्टेप मैं आपको बताती रहूंगी। देखिए हमारा सब्जी मैंने सब काट ली हूँ, और हम लोग इधर केला को हल्दी के पानी में डाले हैं क्योंकि हमारा काला नहीं पड़ेगा। ये हमारा सब्जियां सब काट के रेडी हो चुका है। और बेसर के लिए मेन स्टेप ये हमारा मसाला, जीरा, सरसों और नारियल, अदरक, और ये हमारा खड़ा धनिया, इसको हम पानी में सोक कर लेंगे। इसको अच्छा सा एक ग्राइंडिंग कर लेंगे, इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। हमारा सब्जी भी कट गया है, हमने मसाला भी पीस दिए हैं। इसी का ये हमारा मेन है क्योंकि ये बेसर जो है इसमें ही बनता है। बेसर का मीन्स ही वही है जो हमारा सरसों और जीरा का पेस्ट है, इसको ही हम लोग बेसर ही बोलते हैं। ये सब्जी में पड़ता है, उसका नाम हम लोग भगवान जी को प्रसाद जो चढ़ता है इसका नाम बेसर ही है, ये सब्जी के अंदर ये बेसर। तो चलिए हमारा पहला स्टेप है, हमने इधर कढ़ाई लगा दी है और थोड़ा सा एक कटोरी जितना पानी डाल दिए हैं। जैसे कि मैं आपको बोली थी ये सब मिट्टी के बर्तन में होता है, पर हमारे पास मिट्टी के बर्तन मुझे अब तक नहीं मिला है। मिलेगा तो मैं आगे को जितना वीडियो बनाऊंगी मिट्टी के बर्तन में बनाने के लिए कोशिश करूंगी, पर मुझे इधर छोटा सा एक बर्तन मिला है जिसमें हम प्रसाद लगा सकते हैं। बड़ा बर्तन मुझे नहीं मिला है तो मैं इधर कढ़ाई में बना रही हूँ। तो कढ़ाई में पहले थोड़ा सा पानी, एक कटोरी जितना पानी डाले हैं, इसमें हम हल्दी और नमक डालेंगे। टेस्ट के अनुसार हम लोग थोड़ा सा पानी, हमारा तो गर्म हो चुका है, इधर हमारा थोड़ा सा हल्दी, इधर हमने हल्दी डाल चुके हैं, और हमारे टेस्ट के हिसाब से हम नमक भी डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम सब इधर पानी में हमारा उबाल आ चुका है, हम यहाँ पे डालेंगे हमारे सब्जियां। इधर हम सब सब्जियों को डाल देंगे। पहले हम केला डाल देते हैं क्योंकि इसको भी हमने हल्दी पानी में डाल के रखे हुए थे। केला डाल देंगे, ये हमारा पानी में ही टोटल बॉईल होगा। और हमारा इधर जितना हमने सब सब्जियां काटे थे इसको सब डाल देंगे हम। जैसे आप सबको पता है मैंने इधर पानी में हल्दी नमक डाल चुकी हूँ, सब्जी भी हमने डाल, देखिए हमने सब सब्जियां भी डाल चुके हैं। हमने इधर जो चना को पानी में उसको भिगा करके रखे थे इसको भी हम डाल देंगे और थोड़ा सा चलाएंगे। थोड़ा सा चलाने के बाद हम लोग इसको ढक करके, नमक हल्दी तो हम डाल चुके हैं पानी में, हम इसको ढक करके 10 मिनट तक रख देंगे। 10 मिनट तो हो चुका है हमारा, इधर ये सब्जियां आधा पक चुके हैं। इधर हम डालेंगे हमारा बेसर जो हमने मसाला पीस करके रखे थे, हमारा ये इसका नाम बेसर, इसको हम डाल देंगे। बेसर डालने के बाद हम इधर थोड़ा सा हींग डाल देंगे, इसमें हम थोड़ा हींग डाल देंगे। हींग डालने के बाद हम हींग डाल दिए और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। बेसर बहुत अच्छा खुशबू आता है इसका, आप ट्राई करके देखिएगा, खाने का खुशबू बहुत अच्छे से आता है। इसको हम ढक करके और 10 मिनट पका देंगे जैसे हमारा ये सब पक जाएगा। चलिए हमारा 10 मिनट हो चुका है, हम देख लेंगे हमारा कितना अच्छे से बना है कि नहीं बना है, पका है कि नहीं पका है, देख लेते हैं। देखिए हमारा गाजर भी पक चुका है, केला भी अच्छे से पक चुका है, सब चीज आ गया है, कलर भी कितना बढ़िया आया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा नारियल डाल देते हैं और हम इसमें फोरनी भी लगा देंगे। देखिए हम लोग इधर घी गरम कर दिए हैं, इसमें हमारा घी गरम हो चुका है, हम इधर सूखा मिर्ची डाल दिए हैं
और हमारा इधर तेज पत्ता और हमारा जीरा और थोड़ा सा हींग डाल करके उसको अच्छे से हम, ये हमारा हो जाएगा तो हम इसको गैस बंद कर देते हैं। देखिए हमारा मिट्टी का बर्तन है, ये ज्यादा टाइम तक गर्म रहता है, हम इधर गैस बंद कर देंगे। हींग का बड़ी अच्छे से खुशबू भी आ रही है, तो हम इसको क्या करेंगे अभी, ये हम इधर से लेकर के हम जो इधर नारियल अच्छे से डाले हैं इसमें हम ऊपर से डाल देंगे और इसको ढक देंगे। इसका हमारा स्मेल जो है वो अंदर से रह जाएगा। हमारा बन के रेडी हो चुका है। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला क्या है, हमारा दालचीनी और इलायची, काली मिरी, उसका एक हम पाउडर बना के रखे हैं, इसको हम एक चम्मच के आसपास डाल देंगे। और ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। नारियल डाल देंगे और हम तुलसी के पत्ता के हेल्प से इसको भगवान जी को प्रसाद लगाएंगे। मैंने इसके साथ घी भात बनाया है। घी भात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगी। देखिए हमारा रेडी हो चुका है और ये हमारे भगवान जी का शुद्धता की पहचान है। हमने नारियल भी अच्छे से इसको डाले हुए हैं, नारियल का पेस्ट डाले हुए हैं, ऊपर में डाले हुए हैं। ये देखिए हमारा बेसर बन के रेडी हो चुका है। हम इसको प्रसाद भी लगा चुके हैं। आप इसको खाली खाना है, प्रसाद नहीं लगा के घर पे बना के भी खा सकते हैं। आप इसको रोटी, चावल, पराठा, पूरी किसी के साथ भी बना के खा सकते हैं, या फिर प्रसाद लगाने के लिए आप इसके साथ आप घी भात, खिचड़ी, कानिका, इसको भी आप बना सकते हैं। यह हमारा रेडी हो चुका है खाने के लिए। इसको आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। हमारा उड़ीसा का फेमस है हमारा बेसर। आप सबने तो देख लिया हमारा बेसर कैसे बनता है। ऐसे ही आप बेसर बना के भगवान जी को प्रसाद लगाइए, या फिर आप खुद भी रोटी, चावल और पूरी पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं, और हमारा भोग भी लगा सकते हैं। इसके साथ आप घी भात बना दीजिए, कानिका बना दीजिए। मैं तो आपको कानिका बना के दिखा चुकी हूँ। घी भात भी आप बहुत ईजी से आप बना सकते हैं, जो मैं आपको आगे बना के दिखा लूँगी, और डालमा भी उसके साथ मैं आपको बना के दिखा दूंगी जो हमारे प्रसाद में लगता है। या फिर आप बिना प्याज लहसुन खाने वाले हैं, इसको आप घर पे भी बना के खा सकते हैं। ऐसे ऐसे इजी इजी स्टेप है और बहुत टेस्टी भी है। हमारा उड़ीसा का जो इंग्रेडिएंट्स है बहुत कम में भी हो जाता है और टेस्टी भी रहता है। ऐसे आप लोग बेसर बना के भगवान जी को प्रसाद लगाइए, इधर आप लोग खाइए। हमारा यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करना भूलिएगा मत, और मेरा नया वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हमारा कल के लिए हम कुछ नया वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। जय जगन्नाथ।